आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राफेल पर घमासान के बीच तीन राफेल भारत पहुंचे, राफेल की पहली खेप आएगी सितंबर में। मौसम का फिर बदला मिजाज, कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं ओले गिरे। सपा नेता मुलायम सिंह की बेबाक बयानी, कहा नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान, गरीबों का पैसा सरकार के ऐशो आराम के लिए नहीं। कहीं अपहरण तो कहीं मौत की कमेंट्री, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं अपराधियों के हौसले। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में राफेल सौदे को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। इस पूरे हंगामे के बीच बेंगलुरु में तीन राफेल विमान येलहांक वायुसेना स्टेशन पर लैंड हुए हैं। फ्रांस के बने तीन युद्धक राफेल विमान एरो इंडिया शो में भाग लेंगे। जिस समय तीन राफेल विमान भारत में लैंड हुए, तब संसद में कैग ने राफेल सौदे पर अपनी रिपोर्ट पेश की। राफेल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वे इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसी बीच खबर आई कि तीन राफेल बेंगलुरु में लैंड हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राफेल युद्धक विमान 5 दिवसीय एयर शो के लिए अभ्यास करेंगे। एशिया में इस प्रमुख एयर शो का यह 12वां साल है। तीन में से दो राफेल युद्धक विमान उड़ान भरकर सैन्य अभ्यास करेंगे, जबकि तीसरा राफेल विमान केवल प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। ध्यान रहे कि भारत फ्रांस रक्षा सौदे के तहत राफेल की पहली खेप देश में इसी साल सितंबर माह में आ जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। सांसद मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनना चाहिए। मुलायम सिंह की इस बात को लेकर उनके पास बैठी सोनिया गांधी चौंक गई। मुलायम सिंह का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। संसद में बजट सत्र का आखिरी दिन था। सपा नेता मुलायम सिंह यादव अपने रौ में थे। मुलायम सिंह ने कहा, मैं पीएम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं कि सारे सदस्य फिर से जीत कर आए और आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह का यह बयान अहम है, क्योंकि उनके बेटे और फिलहाल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश ने मायावती के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की है, लेकिन मुलायम ने मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनने की बात कहकर अखिलेश का खेल बिगाड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेता गरीब और निशक्त लोगों की राशि का उपयोग खुद के ऐशो आराम के लिए नहीं कर सकते। गोपाल भार्गव ने कहा कि गरीब और निशक्त लोगों के लिए आरक्षित राशि का उपयोग यदि मध्य प्रदेश सरकार अपनी सुख सुविधाओं और अय्याशियों में खर्च करेगी, तो उन लाचार और बेबस लोगों के घर में आ रही गरीबी का क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, पर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आज मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्र निधि के लिए भी निकाल रहे हैं, वो फिक्स्ड डिपॉजिट वो तोड़ी जा रही है। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ, यदि निराश निधि को छुआ भी गया, उसकी फिक्स डिपॉजिट तोड़ी गई, इससे बड़ा पाप का कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुष्कृत्य नहीं हो सकता। जो राशि आरक्षित है विकलांगों के लिए, निराश्रितों के लिए, निशक्तजनों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, उस राशि को यदि निकाल के सरकार अपनी ऐशयासी में अथवा किसी अन्य दूसरी योजना में व्यय करेगी, तो मैं मुख्यमंत्री के सामने भूख हड़ताल करूंगा, उनके बंगले के सामने धरना दूंगा और निराश्रितों के साथ दूंगा। गोपाल भार्गव ने कहा, सरकार के दबाव में आकर कर्मचारी अन्याय ना करें, निष्पक्षता के साथ कार्य करें। सरकार की कठपुतली बनकर कर्मचारी कार्य करेंगे तो हमें डोर काटना आता है। उन्होंने कहा, न्याय के लिए हम सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। बदमाश सतना के चित्रकूट में स्कूल बस से दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर दो बच्चों को किडनैप करके ले गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज बताता है बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं।
चित्रकूट के जानकी कुंड स्थित सदगुरु पब्लिक स्कूल के बाहर स्कूल बस से बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर तेल व्यापारी ब्रजेश रावत के दो मासूम जुड़वा बेटों 5 वर्षीय प्रियांश और श्रेयांश को अगवा कर लिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना में कुख्यात डकैत बबुली कोल गिरोह का हाथ होने की आशंका है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर ने दलबल के साथ चित्रकूट पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया तथा बदमाशों की तलाश में जंगल में पुलिस पार्टियां उतार दी हैं। ब्रजेश रावत का उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर तेल का कारोबार है। तेल व्यापारी ब्रजेश रावत के बेटे प्रियांश और श्रेयांश यूके केजी के छात्र हैं। ब्रजेश के बेटे हर दिन की तरह स्कूल बस में अन्य बच्चों के साथ घर जाने के लिए बैठे थे, तभी यह घटना घटित हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना में बदमाश केसरिया कपड़े में मुंह ढके नजर आ रहे हैं। एक बदमाश शिक्षिका को पिस्टल दिखाकर धमकाते नजर आ रहा है, जबकि दूसरा प्रियांश और श्रेयांश की ओर बढ़ता दिख रहा है। बाद में बदमाश बाइक पर बच्चों को बैठाकर स्कूल के परिसर से जाते हुए सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहे हैं। स्कूल परिसर तक नकाबपोश बदमाशों का आसानी से पहुंच जाना स्कूल प्रबंधन व स्टाफ की लापरवाही के अलावा कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। बदमाशों द्वारा वारदात के वक्त डकैत बबुली कोल का जिक्र करने की बात की जा रही है, जिसमें अपहरण में इस गिरोह का हाथ होने की संभावना है। मालूम हो कि जिले की यूपी व एमपी की सीमा से सटे चित्रकूट के जंगलों में बबुली कोल गिरोह का आतंक है। बदमाशों की घेराबंदी करने तक अपहृत बालकों की तलाश में जंगल में उतरी पुलिस टीमों के साथ पिता ब्रजेश रावत भी अपने बेटों की तलाश में पुलिस पार्टी के साथ जंगल की ओर रवाना हुए हैं। एसपी सतना संतोष सिंह गौर इन अगवा किए हुए बच्चों की तलाशी के अभियान में अपनी टीम के साथ जुट गए हैं। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में उड़ीसा से लाया गया 1 क्विंटल गांजा पुलिस ने जब्त कर लिया। इस बुलेरो सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सरिया पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कटंगपाली गांव के पास 2 तस्कर बुलेरो पिक के साथ पकड़े गए हैं। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार तस्कर रायगढ़ से होते हुए शहडोल के रास्ते गांजे की तस्करी कर रहे थे। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क के वफर जोन से निकलकर एक बाघिन रोड पर आ गई। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब खूब वायरल हो रहा है। मैं हो तो वो किसी पे ध्यान नहीं देता। पेंच नेशनल पार्क स्थित कुरिया की टोरेई रोड पर ग्रामीणों ने बाघिन को जाती हुई देखा। वहाँ के रहवासियों ने उसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। सड़क पर चलती है बाघिन थोड़ी देर बाद सड़क से जंगल में चली जाती है। वीडियो को देखकर लगता है कि ग्रामीणों ने शायद पहली बार अपनी गाड़ी के आगे टाइगर को चहलकदमी करते देखा है। वीडियो बनाने वाले इस बाघिन को एक नंबर बता रहे हैं। ये लोग बाघिन के पीछे अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, जिस कारण बाघिन सड़क छोड़कर जंगल में चली जाती है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दिल दहला देने वाली खबर होशंगाबाद से है। होशंगाबाद में एक 23 वर्षीय विवाहिता कल्पना गढ़वाल ने पति के सामने आग लगाकर आत्महत्या कर ली और पति उसे बचाने के बजाय उसके परिजनों को मोबाइल पर उसकी मौत की दास्तान सुनाता रहा, उसकी चीखें सुनवाता रहा। होशंगाबाद से हैवानियत भरी खबर आई है। विवाहिता ने पति के सामने आग लगा ली, लेकिन पति उसे बचाने के बजाय उसके परिजनों को मोबाइल पर लाइव कमेंट्री सुनाता रहा और विवाहिता के रिश्तेदारों को आग में जल रही उनकी बेटी की चीखे चिल्लाने की आवाजें सुनवाता रहा। यह रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में सेव हो गई। लड़की के परिजन अब लड़के पक्ष को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसको क्या है? तो फिर बोले कि गेट खुल गए, मिट्टी का तेल डाले हुए हैं, मिट्टी का तेल डाले हुए हैं, गेट खुल गए हैं और माचिस हाथ में लें। तो मैंने पूछो सर ऐसी क्या बात हो गई है? तो बस इतने में बोले मैं आपको है ना वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहा हूँ। मतलब वो मिट्टी का तेल डाले हैं, वो मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाने के लिए बात कर रहे हैं। और फिर बोले कि वो आग लग गई, जब भी बचाना चाहिए आग लग गई और फिर चीखें आने लगी मतलब मोबाइल पे। फिर इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सर सोची समझी साजिश है सर, घर के सारे परिवारों को
खाएगी ढक रही है तुम्हारी सारे परिवारों को जो दमो भेज दिया मतलब शादी के नाम पे सही भी नहीं। और खुद जारूक के अंदर ये काम किया है दिनांक 9/2/19 को शाम को लगभग 8:30 बजे एक महिला तिवारी कॉलोनी से कल्पना गढ़वाल के जलने की सूचना आई थी जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और इलाज के दौरान रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत मर कायम कर जांच कर रहे हैं और उनके परिवारजन भी आए हैं उनसे भी पूछताछ की गई है तो उनका प्रथम दृष्टया उनके कथन में उनका कहना है कि उसको प्रताड़ित किया जाता रहा है और इस कारण तो वो मर्ग जांच में है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्य और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। शिवपुरी निवासी कल्पना की शादी 7 दिसंबर 2015 को होशंगाबाद के कुलदीप से हुई थी। लड़की के परिजनों का कहना है दोनों के बीच विवाद हो गया था। शनिवार रात 10 बजे कुलदीप ने कल्पना के मौसाजी संजय को फोन कर बताया कि कल्पना ने कैरोसिन डाल लिया है, अब उसने आग लगा ली है। फोन पर हुई यह बातचीत संजय के मोबाइल में सेव हो गई, जो परिजनों ने पुलिस को बताई। मृतक के परिजनों ने SDOP को आवेदन देकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों जगह जगह घूम रहे हैं। शिवराज अब प्रयागराज पहुंचे और संगम में स्नान किया। बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ कुंभ स्नान किया। उन्होंने कहा प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा के पवित्र जल में स्नान और आचमन का सौभाग्य मिला। मां से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही अनंत काल तक प्रवाहित और जगत का कल्याण करती रहें। इस पावन अवसर पर हम सब भी मैया को स्वच्छ और संरक्षित करने का संकल्प लें और प्राण प्रण से इसके लिए प्रयास करें। राजनांदगांव में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे चोरों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनके पास से सोने चांदी के आभूषण, मोटरसाइकिल और 12 बोर बंदूक के 38 कारतूस बरामद हुए। राजनांदगांव में रेलवे ट्रैक से लगी कॉलोनी के सूने मकान में चोरी को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर अपने शौक के कारण चोरी करते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग 12 बोर बंदूक के कारतूस बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जनवरी माह में थाना कोतवाली अंतर्गत रामनगर और ममता नगर में 3 चोरियां हुई थी, जिसमें ताला तोड़कर अपराधियों ने घर का जो सोने चांदी के जेवरात और एक एक्स जो आर्मी मैन के घर से 12 बोर के राउंड चोरी करके ले गए थे। इसमें हमारी जो कोतवाली पुलिस लगी हुई थी और घेराबंदी करके तीनों को पकड़ा गया और इनके पास से कुल मिलाकर 1.5 लाख के आसपास का मसरूका बरामद किया गया है और इनसे विधिवत पूछताछ की जा रही है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि वह अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं आरोपियों ने कई जगह चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। विधायक के पिता पर दर्ज हरिजन एक्ट के मामले में समझौता करने से मना करने पर एक दलित को पीटा गया। पीड़ित का कसूर इतना था कि उसने राजीनामा करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उसका अपहरण कर लिया गया और उसे पीटकर मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया। महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के चाचा प्रदीप दीक्षित के खिलाफ अपहरण, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण समेत भारतीय दंड विधान की 5 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। गढ़ी मलारा थाना पुलिस ने उर्दमऊ निवासी मजदूर विधुआ प्रजापति की रिपोर्ट पर यह केस दर्ज किया है। पीड़ित मजदूर का आरोप है कि विधायक के पिता ने 3 साल पहले उनके साथ मारपीट की थी, जिस पर ST/ST का केस दर्ज हुआ था। हमारे साथ घटना घट गई। प्रदीप दीक्षित है जो नीरज दीक्षित विधायक जी के चाचा, उन्होंने हमको 11 तारीख 5 बजे शाम के मार्शल में जबरदस्ती बैठा लिया और पिछले 2 साल पहले उनके पिताजी ने हमको मारा था। तो हरिजन केस लगा हुआ है। हरिजन केस के मामले में राजीनामा के लिए बोला तो हमने कहा महाराज हम नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा विधायक जी नीरज विधायक है वो विधायक जी के कहने पर हमको मार दिया है। ये सर हमारे गाँव के हैं दुर्गा प्रजापति, इनको नीरज दीक्षित जो विधायक है हमारे महाराजपुर के, उनके पिताजी ने मारा था इसको 2 साल पहले। उसके राजीनामा के लिए इसके जो विनोद दीक्षित का भाई है प्रदीप दीक्षित, वो कह रहा था इससे कि राजीनामा दे दो, इसने मना कर दिया। तो उसको गाड़ी में उठा के ले गए करेला से और मलका गली में ले जाके उसको मारा, वहीं मार के डाल दो। मान लो
मरण अवस्था में जो रिपोर्ट हुई है उस पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। थाना प्रभारी ने मुझे बताया था कि एक रिपोर्ट आई है मारपीट की, अपराध पंजीबद्ध हुआ और उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का काम रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई करना है, पुलिस न दबाव देखती है न कोई। उस केस में विधायक के पिता विनोद दीक्षित को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसी केस में राजीनामा करने के लिए आरोपी प्रदीप दीक्षित ने पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने राजीनामे से इनकार कर दिया तो उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और उसे मरणासन्न अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। जिला अस्पताल में अब घायल का इलाज चल रहा है। दीपवीर, निक, प्रियंका और ईशा अंबानी की शादी के बाद एक बार फिर रॉयल वेडिंग होने जा रही है। इस साल 9 मार्च को मुकेश अंबानी के बेटे आकाश और श्लोका शादी के बंधन में बन जाएंगे। दोनों की शादी का शाही समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 3 दिन तक चलेगा। मुकेश अंबानी के घर जल्दी फिर शहनाई बजेगी, अब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है। इस साल मार्च में ही आकाश अंबानी और श्लोका मेहता शादी करेंगे। बता दें, दोनों की शादी की डेट भी फाइनल हो गई है। खबर है कि शादी से पहले आकाश अंबानी अपनी आखिरी बैचलर पार्टी कर रहे हैं जो स्विट्जरलैंड के सेंट मैरियट में होगी। इस पार्टी में बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। ये सेलिब्रेशन 23 से 25 फरवरी तक चलेगा। रणबीर कपूर आकाश के बहुत करीबी दोस्त हैं और वह इस पार्टी में नजर आ सकते हैं। वहीं सिंगल करण जौहर भी इस बैचलर पार्टी का हिस्सा बनेंगे। 2019 की पहली रॉयल वेडिंग आकाश और श्लोका की होगी। मुकेश अंबानी के घर की इस शाही शादी में क्या क्या होगा, ये धीरे धीरे सामने आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जाते जाते हर बार मनमानी करने वाले जर्जर भोपाली इस बार स्टूडियो से आपको फिर सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मेरा नाम है जर्जर भोपाली और एक शायरी शेर सुनाऊंगा मैं। हाँ, कि इस तुम्हारे इश्क में हम छुआरे हो गए और तुम फूल के गुब्बारे हो गए, वो जब हमारी नजर गई हमारे बटुए पर तो तुम्हारे बारे न्यारे हो गए। पूरा बटुआ खाली हो गया, बता रहा हूँ। हाँ, वो अभी ये प्रॉमिस दिए था मैंने, है ना, बहुत लोगों से प्रॉमिस करवाया, बता रही हूँ। मैं जब से पैदा हूँ एक गड्ढा है सड़क पर बना हुआ है, जब से पैदा हूँ गड्ढा है। मैं नगर निगम वालों के पास पहुँचा, मैंने कहा सुनो मियाँ ये गड्ढा भरो पहले, ये प्रॉमिस किया। वो एक मैं कल है ना पब्लिक प्लेस पर खड़ा था, वहाँ मैंने देखा वो मेरा भतीजा ने सिगरेट पी लिया था। मैंने उसकी सिगरेट छीनी, एक कन पट्टी में दिया और सिगरेट ले जाके हमने है ना दो छुट्टे मारे घर पे। हाँ, और ये पान थूकने वाले है ना जो पिचकारी मार दिया ना, मैं इनसे भी मैंने कल ये प्रॉमिस करवाया। मैंने ये थूक रहा है तो अपनी है ना कुर्ते की जेब में थूको, ये रोड पे मत थूको, नेशनल हानि मत करो। हाँ, ये कुछ तो सीखो। वो ये सिग्नल तोड़ के निकल जाते लोग, लाल सिग्नल है ये, थोड़ा वेट तो करो, है हरी बत्ती होन दो, वो हेलमेट पहन के जाओ, बता रही हूँ नहीं मैं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा, बता रही हूँ। हाँ, वही वैलेंटाइन डे आ रही है, बता रहा हूँ। वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई पता है कुछ? मुझे पता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूँ, बता रहा हूँ। मैं बता रही हूँ कहानी क्या हुआ। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो वो क्या है कि उनकी वाइफ ने बोला, उन्हें वेलन टांग दिया, बोले हम रोटी नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे। वो हस्बैंड बेचारा मरा जा रहा भूखा। वो गया एक गुलाब तोड़ के लाया, बेहतरीन किस्म का बड़ा वाला, वो गुलाब वाइफ को दे दिया। वाइफ गुलाब को देख के खुश हो गई और फिर बढ़िया बेहतरीन फूली फूली रोटियां बनाई, और तभी से ना वैलेंटाइन डे शुरू हो गया, बता रहा हूँ। ये प्रेम मोहब्बत का त्यौहार है, ये कई लोग ये प्रेम मोहब्बत का मतलब कि वो एक ही थोड़ी होता है, भाई बहन का प्यार होता है, माँ बाप का प्यार होता है, ये वही लट लेके निकल पड़ते हैं वैलेंटाइन डे रोकने, ये खुद ही है ना मना के निकलते हैं, बता रहा हूँ। प्रेम चलने दो भैया। हाँ, ये देखो बसंत का महीना चल गया, ये चल गया रहे बच्चों का, ये बच्चों का अपहरण कर लिए चित्रकूट में, ये चल गया रहा है। मेहनत करना नहीं चाहते, फ्री की मिल जाए कुछ भी, बता रहा हूँ मैं, थोड़ा मेहनत करो। है उनके बच्चों का, उनके परिवार वालों का क्या हाल हो रही है, चुपचाप बच्चों को वापस करके आओ। हाँ, बता रहा हूँ। वो देखो भैया ये बड़े बड़े लोगों के बच्चे ना रोड पर घूम रहे हैं, प्रियंका राहुल रोड पे घूम रहे हैं, बताओ कितनी बेरोजगारी हो रही है। हाँ, वो पीएम मोदी ने बोल दिया है कि पीएम पोस्ट है ना रिजर्व है, मैं दूंगा नहीं, बता रही हूँ। हाँ, और कहीं नौकरी ढूंढ लो, बता रही हूँ, ये तो चल गया है। और हम कल है ना सुबह लोडा लेके गए पटरियों पे, वहाँ जाके हमने देखा गुर्जर बैठे हुए। अरे हमने कहा ये क्या है, आंदोलन करना है तो कहीं जाके और करो, ये मल्टीपर्पज चीज़ है, ये ट्रेन भी चलती है इस पर, हम लोगों का भी भला बुरा होता है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है बताओ। और जाते जाते मैं ये आज का ज्ञान दूंगा, हाँ, कि पेन खो जाए
तो नया ले सकते हो, वो ढक्कन खो जाए तो नया नहीं ले सकते हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखो, पेन है ना टिचुक टिचुक वाले लेना। हाँ मैं जा रहा हूँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।